बात में हुंकारो, फौज में नगारो, बात कहता बार लागे, अधिक सोवे अधिक जागे और सोनियरी पागड़ी जागता ले भागे। राम भला दिन देवे तो। ये इस धरती के बात करने का तरीका है। बात यानी कहानी। कहानी तो मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ रण बांकुरों की धरती पर घुमाऊंगा अवश्य। कहानी आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। मैं आपको लिए चलता हूँ उदयपुर। जी हाँ, उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र का एक प्रमुख नगर, महाराणा प्रताप का मेवाड़, इतिहास के पन्नों में एक ओजस्वी नाम मेवाड़। चलें। विलास जी, उदयपुर की इस यात्रा में मैं भी आपके साथ हूँ, पर सिर्फ अपनी आवाज के जरिए। कहाँ से शुरू करूँ? हाँ, उदयपुर से। मेवाड़ के प्रमुख दुर्ग चित्तौड़गढ़ पर जब मुगलों का अधिकार हो गया, तब एक सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता हुई। चारों तरफ अरावली पहाड़ियों और झीलों से घिरे एक समतल स्थान पर उदयपुर शहर की नींव रखी गई। महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ से निकल चुके थे, तभी उदयपुर शहर की नींव रखी गई। वो समय था सन 1559 या 60 के आसपास का, जो घिरा है तीन प्रमुख झीलों से, पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर। वीरों, झीलों और महलों का नगर उदयपुर वीरता और कला का अनूठा संगम है। यह नगर जितना कलात्मक है ना, उतना ही सुदृढ़ और सुरक्षित भी। कुछ लोग इसे ऐतिहासिकता का नगर कहते हैं, तो कुछ राजपूती शौर्य का पालना। सच तो यह है कि मेवाड़ भक्ति, प्रेम और शक्ति की एक मिसाल है। प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति, कला, साहित्य और इतिहास के संगम उदयपुर नगर में आपका स्वागत है। सुरक्षा की दृष्टि से उदयपुर के चारों ओर एक दीवार बनाई गई, जिसे शहर पनाह या शहर कोट कहते हैं। चलिए सबसे पहले मुख्य द्वार की ओर ही चलें। इस द्वार को नाम दिया गया सूरज पोल, पोल यानी द्वार। सूर्य की पहली किरण का स्वागत यही द्वार करता है। चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और दिल्ली को इसी द्वार की सड़क मिलाती है। इसी तरह नगर की अन्य दिशाओं में भी अनेक पोल हैं। उदिया पोल, चांद पोल, हाथी पोल, ब्रह्म पोल और बड़ी पोल वगैरह। यह है बड़ी पोल। अगर बड़ी पोल से अंदर चलें तो सीधे सिटी पैलेस पहुंचते हैं। बीच बीच में कई तोरण द्वार भी हैं। सिटी पैलेस पिछोला के किनारे बसा हुआ है। पता है इस भव्य महल का निर्माण किन्होंने प्रारंभ करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने। यह विशाल द्वार त्रिपोलियों की ओर ले जाता है। त्रिपोलियों के दाहिनी ओर एक विशाल आंगन में अनेक खेल और युद्ध कौशल प्रतियोगिताएं भी होती थीं।
जिसमें हाथियों का बल प्रदर्शन प्रमुख था। आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ की भवन निर्माण कला यानी वास्तुकला में झरोखों, बरामदों, गलियारों और छतरियों की प्रधानता है। ये वास्तुकला यहाँ के पर्यावरण और मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनाई गई है। सिटी पैलेस में ही चंद्रमहल, बाड़ी महल और दिलखुश महल भी हैं। इनकी वास्तुशिल्प और कारीगरी तो देखते बनती है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं वे भी बहुत पुराने हैं। हो गया ना दिलखुश, इसीलिए तो इसका नाम है दिलखुश महल। कांच के प्रयोग से इसमें अत्यंत सुंदर पच्चीकारी की गई है। महल के इस भाग में उड़ते थे होली के गुलाल और रंग बिखेरती थी पिचकारियों की फुहार। सिटी पैलेस में राजस्थान की लघु चित्रकला का अमूल्य संग्रह है। यहीं पर एक कक्ष में युद्ध में काम आने वाले शस्त्रों का संग्रह भी देखा जा सकता है। मेवाड़ के सूर्यवंशी राणाओं की परंपरा रही है कि जब तक वे सूर्य देवता के दर्शन ना करें तब तक अन्न ग्रहण नहीं करते, लेकिन जब सूर्य को बादल ढक लें तब क्या करें। इसी बात को ध्यान में रखकर इस स्वर्ण सूर्य का निर्माण कराया गया। कितना अद्भुत लगता है ना ये स्वर्ण निर्मित सूर्य, शौर्य का प्रतीक। मेवाड़ के राजघरानों ने अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। इन मंदिरों के शिल्प में अलंकरण की बारीकी देखी जा सकती है। यहाँ के अधिकांश मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनवाए जाते थे। यह है जगदीश चौक। और यह है भव्य और दिव्य जगदीश जी का मंदिर। इसे जगन्नाथ राय मंदिर भी कहते हैं। सुन पा रहे हैं ना आप हंसी की मीठी खनक, पायल, राजबालाओं और उनकी सहेलियों की सैरगाह। ये सहेलियों की बाड़ी, हंसी ठिठोली की फुहारें आज भी सहसा छू जाती हैं। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा निर्मित ऊंचे पहाड़ पर बसा, बादलों से बात करता यह किला सज्जनगढ़ कहलाता है। इसे मानसून पैलेस या बादल महल भी कहते हैं।
जग प्रसिद्ध पिछुला झील के बीच बना ये भव्य महल उदयपुर का विशेष आकर्षण है। इसे जग निवास कहते हैं। आजकल इसे लेक पैलेस होटल के नाम से जाना जाता है। विलास जी, अब हम जग मंदिर की ओर चल रहे हैं ना? पीले पत्थरों से बना हुआ ये महल मेवाड़ की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। छतों की ये अर्धचंद्रकार बनावट राजस्थान की विशेषता है। बहुत से वास्तुकार इसे बंगाल की फूस की छतों की बनावट का प्रभाव मानते हैं। पत्थरों पर बनाई गई जालियां भी राजस्थान की विशेषता है। जग मंदिर के इस हिस्से को गोल महल कहते हैं। पीले पत्थर और संगमरमर से बनी इस इमारत का सौंदर्य देखते ही बनता है। महाराणा करण सिंह द्वारा निर्मित इस गोल महल में शहजादा खुर्रम अपने शरण काल में कुछ समय रहे। पत्थरों पर की गई यह नक्काशी सचमुच कितनी अद्भुत लगती है। कारीगरों के श्रम और कौशल के आगे मन स्वतः नतमस्तक हो जाता है। गोल महल के भूतल कक्ष की यह सुंदर भित्ति चित्रकारी। यहां दीवार की चित्रकारी यानी भित्ति चित्रकारी में गुलदस्ते और शिकार के दृश्य अंकित किए गए हैं। रासलीला का यह सुंदर चित्रांकन भी उतना ही पुराना है जितना इस महल का इतिहास। भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप का स्मारक। जी हां, यह केवल महाराणा प्रताप का स्मारक ही नहीं है, उनके वफादार साथी चेतक की कहानी भी यहां गूंज रही है। हल्दी घाटी हमें आज भी मातृभूमि प्रेम का संदेश सुनाती है। इन महलों स्मारकों में लगभग प्रत्येक के साथ कोई न कोई रोचक कथा किंवदंती जुड़ी है, लेकिन वे जितनी महत्वपूर्ण हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है इनका स्थापत्य और रचना शिल्प। गणगौर घाट के साथ जुड़ी ये है बागोर की हवेली। यहीं भारत में स्थापित सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में से एक पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय है। मेवाड़ की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने का प्रयास कर रही है ये हवेली। बागोर की हवेली में एक संग्रहालय भी है। बागोर की इस हवेली में 100 से अधिक कक्ष हैं। बरामदे, गलियारे और नक्काशीदार झरोखे हैं। इस संग्रहालय में राज परिवार, खास तौर पर रनिवास के वैभव और उसकी भीतरी सज्जा को संजो कर रखा गया है। इन कक्षों में रानियों के दैनिक उपयोग की वस्तुएं संग्रहित हैं।
तो काई मन मार करो थाल भरो गज मोतिया तो ऊपर नैन धरा पधारो मारे देश पधारो मारे देश जी ब्रिगनरा ढोला आवोनी पधारो मारे देश जी केसरिया पधारो मारे देश साजन साजन मैं करूं सो साजन। संध्या का समय, उजाले की अंतिम किरण भी अब छुप रही है। आज यहीं तक, पर उदयपुर की यात्रा, वहां की संस्कृति, झीलों जलाशयों के बिना कहां पूरी हो सकती है। तो अगले पड़ाव पर फिर मिलेंगे और बातें होंगी झीलों की, उदयपुर की संस्कृति, शिल्प की, वहां के जनजीवन की। निजरी लाग से हीरा सा सड़ियो सा जिड़ो रे लाल आया मारो के सरीरो आजारी फूले के सरीना ओला लागे के सरीना निजरी ला लाग से ओ भला मारो के सरीरो केसरी जन्ना।